सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अल्ट्रा लाइन गेमिंग। होप यू आर ऑल सेफ। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम हमारी माइनक्राफ्ट की सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। वैसे सीरीज को कंटिन्यू करने से पहले ये बताओ गाइस, मैं लग रहा कैसा हूँ? मैं खुद को पहली बार माइनक्राफ्ट में देख रहा हूँ, इतना मतलब बताओ यार गाइस, कैसा लग रहा हूँ? अल्लाह माफ़ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। हाँ, तारीफ़ के लिए शुक्रिया। तो एनीवेज गाइज, इनके बातों को नज़रअंदाज करते हुए हम हमारी वीडियो को चालू करते हैं। तो वीडियो को चालू करने से पहले मुझे कुछ कमेंट आए थे, तो उनको एक बार ज़रा उन पर थोड़ा ध्यान दे देते हैं। तो मुझे पहला कमेंट आया रजनी जैन से, भाई अपनी सीरीज़ को प्लीज़ कंटिन्यू करो ना, प्लीज़ योर वीडियोज़ आर वेरी नाइस। तो थैंक्स ब्रो, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, आपने बताया कि मेरे को माइनक्राफ्ट की सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाला है। तो हमें अगला कमेंट भी रजनी जैन से आया है, ब्रो ट्रीज पिकैक्स नहीं एक्से तोड़ते हैं। ओके, तो अभी मैं इसको याद रखूँगा, ट्रीज को पिकैक्स नहीं तोड़ना, तोड़ूंगा तो एक्से तोड़ूंगा। थैंक्स फॉर दिस यूजफुल एडवाइस। तो अभी एक अगला कमेंट भी पढ़ लेते हैं। तो गाइस, अगला कमेंट आया है शिवम शर्मा का, माइनक्राफ्ट की वीडियो। तो थैंक्स ब्रो वीडियो पे पहले तो कमेंट करने के लिए, और हाँ मैं माइनक्राफ्ट की वीडियो बना रहा हूँ, तो थैंक्स फॉर कमेंटिंग ऑन माय वीडियो। तो चलो गाइस, अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो अभी रात हो रही है, तो अभी रात को तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो पहले तो मैं ऊपर चला जाऊँ, आपको अगर जिन्होंने पिछली वीडियो देखी तो उनको पता होगा कि हमारा जो बेड है वो हमने हमारी छत पर है। जी हाँ, बहुत अजीब बात है, पर क्या करें। ये देखो, मैंने छत पे बेड लगाए थे ताकि हमारे पास ये मैसेज आए कि ना, यू मे नॉट रेस्ट नाउ, देर आर मॉन्स्टर्स नियर बाय। और छत पे लगाने के बाद भी ऐसा आ रहा है, पिछले वाली वीडियो में ऐसा नहीं हो रहा था, पर अभी भी हो रहा है, पता ही नहीं, जबकि मॉन्स्टर हमारे दूरों दूरों तक नहीं है। तो अभी मुझे लगता है कि अगर हम हमारी स्वॉर्ड लेके अगर सोने का ट्राई करें, तो क्या पता स्वॉर्ड को अगर बेड से मारे तो हम सो पाए, मतलब कुछ भी। तो अभी मैं यहाँ पे मार के देखता हूँ, नहीं हो पाया। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। तो अभी एक ही चारा बचता है, और वो है किसी विलेजर के बेड पे जाकर सोना। तो चल किसी विलेजर के घर में घुस के उसके बेड पे सोते हैं, अगर वो सो रहा हो तो उसको उठा के हम सो जाएंगे। तो चलो देखते हैं इसके बेड पे तो सो पाते हैं क्या। यहाँ पे विलेजर भाई साहब जी, और हम फाइनली सो गए हैं। तो चलो अभी फाइनली सुबह हो चुके, अब देखते हैं कि हम सुबह अभी क्या कर सकते हैं। अभी वैसे तो आज की इस वीडियो में मैं माइनिंग ही करने वाला हूँ, क्योंकि अभी माइनिंग में क्या, अभी माइनिंग करने में ज़्यादा मज़ा आता है, लोगों को भी मतलब आप लोगों को भी माइनिंग को देखने में ज़्यादा मज़ा आता है, इसीलिए आज हम माइनिंग ही करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले तो हम हमारे घर में चलते हैं, पूरी रात किसी और के घर में बिताने के बाद अब फाइनली हम हमारे घर में जाके हमारे टूल्स वगैरह सब कुछ चेक कर लेते हैं। और मेरे से गेट बंद नहीं हो रहा है, तो जल्दी से बंद हो जा रहा है। हाँ चलो बंद हो गया ये वाला गेट भी। अब मैं देखो ये गेट खोल गया, तो अब मैं इसके अंदर नहीं घुस पा रहा हूँ। चलो भाई, मैं मेरे घर के अंदर घुस गया। तो यहाँ पे पहले तो कुछ खाने का ले लेते हैं, हमें आज माइनिंग करनी है इसलिए, तो थोड़ा रोटन फ्लैश ले लेते हैं, एक रोटन फ्लैश ले लेते हैं। अभी एक एज मतलब एक बार की भूख लगे तो हम एक रोटन फ्लैश खा लेंगे। अभी थोड़ा आगे चल के देखते हैं हम, हमारे पास अभी देखो 55 आयरन इनगट पड़े हैं। तो अभी मैं आपको एक और बात बता दूं कि मेरी जो पिछली वाली वीडियो मैंने बनाई थी पर मैंने अपलोड नहीं की, क्योंकि उसमें मेरी वॉइस अच्छे से नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने वो वीडियो अपलोड नहीं की। उसके अंदर मैंने 55 आयरन इनगट इकट्ठा किए थे। तो सबसे पहले तो मेरे को ये चेक करना है कि मेरे फर्नेस में है, तो फर्नेस पे कुछ कुक्ड पोर्क चॉप पड़ा है जो कि मैंने ले लिया, मैंने उसको कुक्ड करने के लिए रखा था। सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, मैं बाल्टियाँ बना लेता हूँ। अभी मुझे बाल्टियाँ चाहिए, तो पहले क्राफ्टिंग टेबल में हम देख लेते कि बाल्टियाँ कैसे बनानी है। अरे मैंने आयरन इनगट नहीं लिया, तो पहले आयरन इनगट देखते। तो यहाँ पे मेरे पास आयरन इनगट पड़े हैं, तो वो सारा मैं ले लेता हूँ। और अब हम हमारी माइनिंग के लिए चलते हैं। यहाँ पे वैसे मैंने रखा क्या है, तो कुछ ब्लॉक्स है कोबल स्टोन वगैरह के, तो ओक वुड प्लैंक्स भी काम आने वाली, क्योंकि हम अगर ये सबसे पहले तो हमें ये क्या बोलते हैं आयरन की पिकेक्स बनानी है, सोर्ड वगैरह बनानी है, इसलिए अभी सबसे पहले स्टिक बहुत काम आने वाली है, इसलिए हमने स्टिक ले लिया और ओक प्लैंक ले लिया। तो सबसे पहले तो मैं आयरन इनगट को यहाँ पे रख के बाल्टी बना लेता, तो मुझे बाल्टी चाहिए, तो कुछ इसी तरह से बाल्टी बनती है। तो ये देखो ऐसी बाल्टी बनती है। तो अभी मेरे को लगभग दो बाल्टियाँ बनानी है, तो मैंने यहाँ पे दो बाल्टियाँ बना ली है। अब बाकी हम पिकेक्स बनाते, देखते पिक्स कैसे बनती है। तो मेरे हिसाब से पिकेक्स ऐसी बनती होगी। तो अभी जल्दी से स्टिक ऐसे रख देते हैं। और ये क्या पिकेक्स नहीं बनी, मैंने यह गलत रखा है या मेरे पास इस चीज़ की कमी है? नहीं, पिकेक्स तो ये बोल रहे कि हम आयरन के बना सकते हैं। अच्छा ऐसे बनाते हैं। ओह माय गॉड, वाओ। ओ तो चलो ठीक है, मुझे पता चल गया कि ऐसे आयरन के पिकेक्स बनाते हैं। तो स्वॉर्ड भी बना लेते हैं, दो स्वॉर्ड बना लेते हैं,
चेस्ट प्लेट भी हम बना सकते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत ओपी। आप चेस्ट प्लेट बना सकते हैं, पैंट्स बना सकते हैं, जीन्स बना सकते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं। तो अभी हम जल्दी से सब कुछ बना के चल देते हैं हमारी माइंड के अंदर। तो अभी देखते हैं हमारे कुछ काम का है क्या। वैसे हमारे तो कुछ काम का यहाँ पे कुछ नहीं है। तो अभी एक काम करता हूँ, मैं मेरा आयरन कट कर यहाँ पे रख देता हूँ और चेस्ट प्लेट भी रख देता हूँ। भाई बहुत कीमती चेस्ट प्लेट है, ऐसी थोड़ी ना मिलती है। तो अभी जितना भी फालतू का सामान है ना, वैसे मैं इसमें स्टोर करवा देता हूँ। वैसे नहीं भाई, फालतू का सामान थोड़ी ना, ऐसे कितना इंपॉर्टेंट सामान है, ऐसी थोड़ी ना होता है, कितनी मुश्किल से मिलता है आयरन वगैरह। तो मैं अभी चल देता हूँ, एक मिनट, मैं कुछ भूल रहा हूँ, आई थिंक मैंने कुछ और गलती से स्टोर कर दिया था। ये देखो मेरे को आयरन की जो पिकैक्स थी वो मैंने ये पे छोड़ दी। अब वापस ये लेके हम चल देते हैं हमारी माइंड के तरफ। तो वैसे यार ऐसे खाली खाली थोड़े ना जाएंगे हम, तो थोड़ा म्यूज़िक सुन के डालते हैं। तो चलो गाइस एक अच्छा सा बैकग्राउंड म्यूज़िक बजाते हैं, फिर हम हमारी माइंड की तरफ दौड़ते हैं। तो गाइस फाइनली हम हमारी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। जी हाँ, यहाँ पे ये जो सामने आप देख रहे हो ना, नदी पार करके हमको इसी के सामने हमारी माइन है, जहाँ पे हमको पहले आयरन और मिले थे। इसलिए अब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इसी माइन के अंदर मेरे को गोल्ड और भी मिले थे, पर मैंने वो कलेक्ट नहीं किया, वरना आगे की वीडियो के लिए बचता क्या। तो चलो गाइस, वैसे मैं आपको बता दूँ, जो आप इतना लंबा चौड़ा पहाड़ देख रहे हो ना, तो इसको भी मैंने पार किया था उस माइन तक पहुँचने का, जबकि वो माइन मेरे घर के जस्ट बाजू में थी। फिर भी मैंने इतनी ज़्यादा चढ़ाई की, मतलब पूरा पहाड़ चढ़ के यहाँ से जो पेड़ वाली साइड है, यहाँ से पूरा उतर के आया और मैं कौन सी माइन में आ गया यहाँ पे। ये वाली माइन तो मेरी नहीं थी। तो काम करते हैं, पहले इसको तोड़ते हैं और यहाँ से पहले हम हमारी असली वाली माइन में निकलते हैं। ये नकली वाली घटिया माइन है, यहाँ पे हम फिर कभी आएंगे। आप कोल दिख रहा है, पर अभी हम कोल नहीं, अभी हमें वो वाली माइन चाहिए। तो ये वाली तो नहीं, ये वाली माइन मेरी हो ही नहीं सकती। तो चलो आगे चल के फटाफट माइन ढूंढते हैं। तो यहाँ पर कोई माइन तो नहीं, नहीं है, माइन है ही नहीं। और कुछ अगर यहाँ पे बस लामा घूमने, पर उस टाइम पे लामा भी नहीं थे जितना जितना मेरे को याद है। तो एक बार काम करते हैं, ये तो मैं कौन सी माइन में आ गया, नहीं ये वाली तो वही वाली माइन है पिछली वाली जिसमें मैं आया था, नहीं ये वो वाली माइन नहीं हो सकती। इसलिए चलो भाई यहाँ से निकलो, अरे पहली फुर्सत में निकलो। 2 hours later. तो गाइस फाइनली हमें वो माइन मिल चुकी है। जी हाँ, यहीं पे वो माइन है, देखो इसके जस्ट बाजू में ही मेरे यहाँ पे माइन थी और मैं इतना ढूंढ रहा था। चलो सबसे पहले तो हम माइन के अंदर चल जाते हैं, डीप तक माइन के अंदर जाते हैं, और मैं आपको वो लोकेशन दिखाता हूँ जहाँ पे मुझे मिला था गोल्ड। चल झूठा। तो दोस्तों अब हम उस लोकेशन के एकदम पास है। जी हाँ, यहाँ पर एक वाटरफॉल मेरे को दिख चुका है, और वो वाटरफॉल के देखो मैंने यहाँ से सीक्रेट रास्ता बनाया है। बताओ कौन ये ध्यान देगा कि यहाँ पे एक सीक्रेट रास्ता है। तो यहाँ से अब मेरे को नीचे जाना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें वो जो सामने पिलर दिख रहा है उस पर जाना पड़ेगा। उसको मैं तोड़ देता हूँ, और शिट वो मैं बचा, बाल बाल नीचे पानी था, वरना मेरा तो पता ही नहीं, मैं तो वहीं पे मर जाता। तो यहाँ पे मैंने वॉल बनाई थी जिससे पानी ना, और ये पानी पता ही नहीं जो देख रहे हो ना, ये मेरे को भी नहीं पता कहाँ से निकल रहा है, मतलब इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ही नहीं। वो सामने देखो लावा है, और मैं बोलने वाला था गोल्ड है, पर देखो सामने लावा है। तो इस लावे को पहले बुझाने के लिए हमें पानी लेना पड़ेगा, तभी मैं ये वाटर बकेट्स इसीलिए लाया था ताकि मैं पानी लेके इस लावे पे पानी डालूँ। और जैसे ही आप लावा पे पानी डालते हो वैसे ऑब्सीडियन बन जाता है। तो वैसे तो पहले तो हमें नीचे तक जाना पड़ेगा ताकि हम इस लावा को शांत कर सके। तो अभी जल्दी से मैं इन सारी चीज़ों को तोड़ तोड़ा के एकदम जल्दी नीचे चलता। तो अभी हमें यहाँ से देखो ऐसे तोड़ तोड़ते पूरा नीचे तक जाना है, लावा के पास जाना है, फिर वहाँ से पानी का जुगाड़ मैंने किया था क्या, मुझे याद भी नहीं कि मैंने पानी लिया था क्या। वैसे यहाँ पे भी पानी है तो हम वहाँ से भी ले लेंगे। तो यहाँ पे टॉर्च लगा के अच्छे से देख लो आप। तो अभी हम चलते हैं, और हमें थोड़ी सी लगी है, ज़्यादा नहीं लगी है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मेरे को अभी कमेंट्री पे मैं इतना ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ ना, मैं गेम ज़्यादा कमेंट्री पे ध्यान दे रहा हूँ। तो अभी मुझे यहीं पे इतना सारा लावा है, तो मैं लावा के बकेट ले लेता हूँ। इससे क्या हम एक फ्यूल बनाएंगे, जो कि मतलब एक फ्यूल टैंक बनाएंगे जिसमें अनलिमिटेड फ्यूल होगा, और हमें बाद में फर्नेस के लिए कोल ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना कोल बनेगा उससे हम बाद में इन फ्यूचर टॉर्च बनाएंगे, इसलिए मैं नीचे आया था। तो अभी हम जल्दी से यहाँ पर ऊपर चलते हैं और कहीं से पानी का जुगाड़ करते हैं। तो यहाँ पर इधर तो पानी था, पर ये मेरे को मैं बोल रहा हूँ ना यहाँ का वो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं था, इसलिए मेरे सेलेक्ट ही नहीं हो रहा। देखो
ये पानी कलेक्ट ही नहीं होता, पता ही नहीं इसमें क्या जादू है, क्या ग्लीच है ये। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि अगर आपको पता है कि ये कोई ग्लीच है तो ये क्या है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी था तो वो मैंने ले लिया, अभी जल्दी से जाके ऑब्सीडियन बना लेते हैं। ऑब्सीडियन एक अलग टाइप का मटेरियल होता है, उसको हम कलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए हमें डायमंड की पिकेक्स चाहिए, इसलिए पहले हमें डायमंड ढूंढना पड़ता है फिर उसके पिकेक्स। और यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है, अब ऊपर से पानी गिरता तो देखो गाइस कैसे ऑब्सीडियन ही ऑब्सीडियन यहाँ पे बन चुका है। अब मुझे गोल्ड गिरने का कोई डर ही नहीं, झंझट ही नहीं कि गोल्ड गिरेगा। कि तो पहले तो एक काम करता हूँ मैं, जो ये मेरी वाटर की बकेट है इसको पूरा वापस से पानी ले लेता हूँ, आगे भी एक काम आने वाला है, बहुत काम आने वाला है। तो नीचे देखो ये इतना सुंदर मटेरियल है, मेरे को तो बहुत मतलब बहुत सही दिखने में लगता है। तो अभी ये बन चुका है, अभी हम अब मैं आराम से एकदम इजीली गोल्ड कलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो गाइस कितना चमक रहा है यार ये गोल्ड, मतलब कि आप कमेंट में बताओ यार इतनी जल्दी किसी को गोल्ड कैसे मिल सकता है, नहीं इतनी जल्दी गोल्ड, इतनी जल्दी गोल्ड तो मेरे को आज तक मतलब विलेज भी इतनी जल्दी नहीं मिला जितना जल्दी मेरे को ये गोल्ड मिल गया। अगर आपको भी इतना जल्दी कभी गोल्ड मिला है तो यार वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको भी इतना जल्दी गोल्ड मिला है क्या। तो यहाँ से अगर मैं नीचे गिरूंगा तो ज़्यादा कुछ तो नहीं होगा, मैंने फालतू मेरे कोबल स्टोन वेस्ट कर दिया, अभी आयरन के पिकेक्स को तोड़ना पड़ेगा। ये मैं नीचे गया, मैंने बोला ज़्यादा कुछ नहीं होगा और ज़्यादा कुछ हुआ भी नहीं, अच्छी बात है। तो अभी कुछ ज़्यादा ही कोल दिख रहा है मेरे को, ये देखो एक बैट उल्टी लटकी हुई है। तो काम करता हूँ यहाँ पे पानी आ रहा है, तो एक बार मैं पानी लेके आगे लावा दिख रहा है तो मैं एक काम करूँ क्या, लावा पे पानी डाल देता हूँ। हाँ एक काम करते हैं, लावा पे पानी डाल देते हैं जिससे यहाँ का लावा शांत हो जाएगा और हम आगे तक माइनिंग कर पाएंगे। तो बहुत अंधेरा हो गया, टॉर्च लगानी पड़ेगी, तो यहाँ पे एक बार टॉर्च लगाते ताकि कुछ दिखे। यहाँ पे इतनी सारी जगह से पानी पानी आ रहा है ना, लावा पानी लावा पानी। तो भाई इतनी जल्दी गोल्ड भी तो ऐसे ही नहीं मिलता है ना। आगे में ये गोल्ड है कि आयरन, नहीं आयरन लग रहा है मुझे, हाँ आयरन ही होगा। वैसे आयरन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ पर से ये पत्थर आके मेरे ऊपर ना गिरे इसलिए पहले हम आयरन निकाल लेते हैं यहाँ से। जल्दी से मेरी आयरन की जो माइनिंग है वो स्टार्ट कर देता हूँ। A few moments later. So guys, finally मैंने इतना सारा मतलब आयरन इकट्ठा कर दिया है इस माइन में, बस आयरन ही आयरन है, इतना भर के आयरन है ना, कोल से ज़्यादा तो यहाँ पे आयरन है। तो अभी मैं जल्दी यहाँ पे पानी कलेक्ट कर लेता हूँ, पर पानी कलेक्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे। अभी मैं इन सारी चीज़ों को तोड़ गया, कितना सारा आयरन है इन सबको तोड़ देता हूँ और मैं पानी के अंदर हूँ। पानी से अभी हम एक लिफ्ट को भी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं पानी को, पर अभी हमें यहाँ से मेरे हिसाब से तो हमें यहाँ पे आगे ये क्या है नहीं मतलब ये है क्या, इतना रेड रेड सा दिख रहा है, इसको एक बार लेके देखते हैं क्या। तो ये कुछ पता ही नहीं क्या अजीब सा दिख रहा है मेरे को, पहले आयरन भी ले लेते हैं आयरन के साथ, पता ही नहीं क्या है यहाँ पे और है ये। तो इनको एक बार लेके कलेक्ट करके देखते हैं कि इसको भी देखो अंदर से क्या निकल रहा था इसके, अगर फट जाता है अगर इसको हम ना ले। कमेंट में ज़रूर बताना बहुत अजीब सी चीज़ें और इससे होता क्या है, ये भी अगर आपको पता है तो इस कमेंट में जाके ज़रूर बताना कि इससे होता क्या है। तो यहाँ पे देखो साइड में भी लगे हुए हैं, पता नहीं अजीब सी चीज़ है, मतलब ये देखो इतना रेड रेड है ये, मैंने इतना रेड रेड कुछ देखा नहीं है क्या, मुझे बताओ यार। नया नया माइनक्राफ्ट का प्लेयर हूँ तो अभी इतनी अजीब अजीब चीज़ पहली बार देख रहा हूँ, बस इतना ही पता था कि आयरन होता है, गोल्ड होता है, डायमंड होता है। मुझे ये नहीं पता था कि अजीब सी चीज़ें भी हमें केव के अंदर ऐसी मिलती है क्या, मतलब अभी तक मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ा भाई ये है क्या। तो अभी आगे चल के देखते हैं यार आगे क्या है। तो पहले टॉर्च निकाल के टॉर्च लगा देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा बहुत कोल है और आयरन है तो कोल की भी अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भाई, अगर कोल नहीं होगा तो हम ये फर्नेस में अभी डालेंगे क्या। तो अभी यहाँ वैसे इनफाइनाइट फ्यूल बना रहे, पर अगर वो प्लान अनसक्सेसफुल हो गया तो पता ही नहीं क्या होगा। हाँ इनफाइनाइट फ्यूल मैं मेरे अगले एपिसोड में बनाऊँगा तो स्टे ट्यून्ड। अभी मैं वैसे वीडियो ख़त्म नहीं कर रहा हूँ, जैसा समझो कि वीडियो ख़त्म, पैसा आदम चलो हटाओ। तो अभी मैं ना वीडियो को ख़त्म नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारा कोल है, मैं सारा का सारा कलेक्ट करने वाला हूँ। तो भाई लोगों घंटों मतलब माइनिंग करने के बाद इतनी देर से घंटे हो गए माइनिंग करने के बाद, मुझे कहीं पे पानी दिखा तो मैंने, अब मैं यहाँ पे पानी से आगे देखते क्या पता हमें डायमंड यहाँ पे मिल जाए, होप डायमंड मिल जाए। और आगे कुछ अजीब सा है ये क्या, ऊपर ये क्या था, अरे मेरे को किसने मारा, उसने मारा क्या वो, रुको देखने तो भाई है कौन इतना अजीब सा। पहले तो एक काम करता हूँ मैं उसके पहुँचने तक का रास्ता बना लेता हूँ, यहाँ पे आयरन और है उसको कलेक्ट करके अभी हम वहाँ तक कलेक्ट करते करते उसके पास चलते। बहुत अजीब सी चीज़ थी, मतलब पता ही नहीं वो क्या था, कोई अलग टाइप का मॉन्स्टर था क्या था,
जहाँ पे आयरन में भूल ना था इसलिए कलेक्ट जल्दी से कर लेता हूँ। वहाँ पे चलते हैं भाई, वहाँ पे आगे था क्या ऐसा, यहाँ पे देखो और आयरन मिल रहा है, मतलब मैं मेरे को उसको मारने की फिराक में था, पर यहाँ पे आयरन मेरे को इतना लालच दे रहा है ना, पूछो मत, इतना लालच दे रहा है आयरन। तो ये देखो आयरन खोदते खोदते मैं उसके लगता है पास में पहुँच गया, वो है कौन मुझे देखने दो भाई, ये तो स्केलेटन है, स्केलेटन भाई तीर मारते हो, शिट मैंने शील्ड बनाना मैं भूल गया यार, माइंड मारते टाइम मैं शील्ड बनाना भूल गया, गोल्ड कलेक्ट करने का और मैं शील्ड बनाना भूल गया। अभी स्केलेटन मेरा क्या करेगा, इसे बिल्ड देते और साले स्केलेटन रुक साले, तेरी तो ऐसी की तैसी, तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं, क्या मर गया क्या गाइस, स्केलेटन मर गया। मुझे लगा नहीं था कि स्केलेटन मरने वाला है, तो स्केलेटन को मार के मैं दो हड्डी और एक एरो मिला है, बहुत ओपी। चलो देखते हैं अभी हम कभी वो तीर बनाएंगे यानी वो बनाएंगे तो हमें उसका फायदा है। तो चलो यार अभी ऊपर चलने का रास्ता देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा ही तेज़ पानी आ रहा है, इतना तेज़ पानी आ रहा है कि मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ, इतना तेज़ पानी को इतना है। तो यहाँ पर मैंने अच्छा वो रास्ता बनाया था और ये इतना ब्लू ब्लू का, भाई मुझे ये चाहिए, इतना ब्लू ब्लू है क्या आखिर, अगर आपको पता है क्या है तो कमेंट में ज़रूर बताना यार, मैं तो मतलब इतनी सारी चीज़ें आपको करने को बोल रहा हूँ कि कमेंट में बताना, कमेंट में बताना, देखो भाई भरोसा इसीलिए बोल रहा हूँ, कमेंट में बताना इसलिए ज़रूर बताना। अरे कहना क्या चाहते हो? तो चलो यार अब वेट नहीं हो रहा यार, इतना ब्लू ब्लू पता ही नहीं क्या दिख रहा है, इसको जल्दी से तोड़ के देखते हैं क्या मेरे को, अभी मेरे घर पर जाने का भी मन कर रहा है, कितनी देर से इस एक ही माइंड में भटक रहे हैं, वीडियो भी इतनी ज़्यादा लंबी कर दी इस माइंड के चक्कर में, तो अभी कर लेते हैं यार। चलो यार थोड़ा सा थोड़ी देर और सही, तो अभी यहाँ पे तो टॉर्च लगी हुई इसलिए ये तोड़ना पड़ेगा, फिर हम आगे जा पाएंगे। तो अभी यहाँ से तोड़ लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा बहुत आयरन है, आयरन भी जल्दी से कलेक्ट कर लेते हैं, मैं खुद अभी पक चुका हूँ, आपका तो पता नहीं कितना ज़्यादा, आप खुद पक चुके होंगे, मेरे को इतना भी ज़्यादा नहीं होगा जितना आप लोग पक गए, अभी मैं तो खेल रहा हूँ इसलिए मेरा तो इतना चल रहा है, वैसे तभी इतनी बोरिंग वीडियो बन रही है, इसलिए जल्दी से मैं सब कुछ करा के यहाँ से निकलते हैं। ये वीडियो इतनी लंबी बन रही है, तो एक काम करते हैं यार जल्दी से यहाँ से टेलीपोर्ट होके सीधे माइन मतलब केव के बाहर चलते हैं, माइन के बाहर चलते हैं, इस झंझट को छोड़ के भी माइन के बाहर चलते हैं सीधे। हाँ अब रोशनी देख के थोड़ा अच्छा लग रहा है यार, जल्दी से अब घर पे चलो, मुझे मेरे आयरन चाहिए, गोल्ड चाहिए, मुझे गोल्ड की चीज़ें बनानी है, मुझे बस घर पर निकलना है, मैं जा रहा हूँ ये माइन को छोड़ के, अब बाद में देखो कब आना होगा, तब मैं आगे पता ही ना। अगर आपको माइनक्राफ्ट की वीडियो चाहिए थी इसलिए देखो मैंने बनाई है, अच्छा लगा माइनक्राफ्ट की वीडियो बना के, अगर आपको और कोई एपिसोड चाहिए मतलब GTA वगैरह चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना, अगर आपको और कोई सा गेम टेस्ट की चाहिए तो ज़रूर बताना, मुझे पता है मैं बहुत बोरिंग वे में बोल रहा हूँ पर क्या कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर मेरे विलेज में आ चुके हैं, रात होने वाली है और रात को तो आपको पता ही हमारा घर तो ऐसा ही है, तो इसलिए अभी मुझे घर भी बड़ा करना पड़ेगा, मतलब एकदम ऊंचा घर बनाएंगे, ये तो यहाँ पे सिर्फ हम हमारा सामान रखेंगे और घर के ऊपर एक छत बनाएंगे, मतलब छत के लेडर से कोबलस्टोन से ऊपर तक रास्ता बनाएंगे, मतलब मस्त आइडिया है, इसके लिए हमें पूरा का पूरा वो जो आपने पहाड़ देखा था ना स्टार्ट वीडियो के स्टार्टिंग में वो पूरा तोड़ना पड़ेगा, इसलिए मैं उसके लिए थोड़ा ना कोई वीडियो बनाता है, मतलब पहाड़ मैं तोड़ूंगा पिकैक से तो वो बहुत ज़्यादा ही बोरिंग वे में हो जाता है, इसीलिए मैं उसके लिए मतलब वीडियो तो नहीं बनाने वाला। आप बताओ आगे की वीडियो में मुझे क्या करना चाहिए, खुद बताओ, मुझे कोई नई जगह देखनी चाहिए या फिर कोई नई माइंड देखनी चाहिए या फिर फार्मिंग करनी चाहिए, रात को विलेजर्स को बचाना चाहिए, कोई नई वीडियो बनानी चाहिए, आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो अभी ठीक है गाइस, अभी वैसे मेरे को चीज़ें तो बहुत सारी मिली हैं तो इनको मैं पिघला देता हूँ, तो अब ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।